वॉट इज़ दी अपडेट वाट कैन कम फॉरवर्ड क्या जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए सो दिस इज़ गॉइंग टू बी अ जनरल रीडिंग जितना आपको रेजिनेट करे उतना ही आपको लेना है कोई भी मैसेज अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए आपको सो लेटस सी लेटस गेट स्टार्टड ह्योर विथ योर एनर्जी नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लाइन्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आप जब भी देखें उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 फोर आवर्स होंगे ये आपको रेजनेट करना चाहिए एंड मेरे बारे में सारा इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा सो आप चाहे तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं ओके Ten of Swords reversed hai, just We have the Queen of Cups energy. We have the star three of wands. Hmm. Ace of Swords reversed. Ten of Wands reversed. And the Ten of Vow, Ten of Pentacles. Listen up. द फर्स्ट एनर्जी जो यूनिवर्स यहाँ पे आपको भेजना चाहते हैं इस 24 फोर आवर्स के लिए या उसके बाद भी अगर आप देखने जाए तो बेसिकली इज़ दैट आप जो देख नहीं रहे हो लाइफ में या इस वक्त लाइफ में कुछ चीज़ें हैं या एटलीस्ट इस चौबीस घंटे में मे भी uh, कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं रहे हो ठीक है यू आर नॉट लुकिंग एट इट आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो आपको लग रहा है कि आपका रास्ता ये है या आपका रास्ता नहीं लाइक like, um, <coughs> आपको आप एक माइंडसेट लेके चल रहे हो जिंदगी में ठीक है हो सकता है ये आपके करियर में हो सकता है आपके लव लाइफ में हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में बट आप एक माइंडसेट बना के चल रहे हो कि ये 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 चीजें मुझे करना है इस इस टाइम में करना है ऐसे करना है वट एवर दैट इज बट यूनिवर्स इज हियर टू टेल यू दैट आपके लिए एक सरप्राइज़ है या आप जिस तरह से सोच रहे हो यूनिवर्स के पास एक बेटर प्लान है उस सेम चीज़ के लिए सो so, अगर आपका टारगेट है कि um, मुझे अपना नेक्स्ट सिक्स मंथ्स कुछ ऐसा बनाना है ठीक है मैं सिक्स मंथ्स के बाद अपने लाइफ में इस तरह दिखना चाहता हूँ या मेरा लाइफ इस तरह दिखना चाहिए यूनिवर्स इज़ लाइक कि ठीक um, है बट यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू जो आप इस वक्त देख नहीं पा रहे हो ठीक है फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी मनी अबांडेंस फाइनेंशियल ग्रोथ करियर ग्रोथ बिजनेस आपके लिए बेटर होने वाला है एज अ ब्लेसिंग एंड कुछ कर्ज हो चाहे कुछ लोन्स वग़ैरह कुछ किसी टाइप का फिनेंशियल बर्डन फिनैंनशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनेंशियल ब्लॉकेज आपके ऊपर uh, से हट जाएगा

फ़ाइनेंशियल चीज आने वाला है लाइक कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा uh, कोई कोई फंक्शन है uh, जहाँ पर बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह है सो इफ़ यू आर वॉर अबाउट कि ये इतना बड़ा खर्चा कैसे उठेगा इतना बड़ा um, या खर्चे के बाद आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो दैट हाउ विल आई रिवाइव माई फाइनेंशियल सिचुएशन तो यूनिवर्स इज़ लाइक इन द कमिंग सिक्स मंथ्स आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तरक्की होगा आपके फाइनेंशियल या करियर सिचुएशन में आपको एक अलग ही लाइफ स्टाइल मिलेगा जो आज आप खड़े होकर यहाँ पर नहीं सोच पा रहे हो इस सिक्स मंथ्स में जो होने वाला है फिनेंशियली इवन इफ ये ट्वेंटी फोर आवर्स की रीडिंग है बट स्पिरिट बहुत ही क्लियरली सिक्स मंथ्स टाइमलाइन दे रहे हैं सो दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग टू यू दैट इस सिक्स मंथ्स में देर विल बी अ लॉट ऑफ फिनेंशियल बर्डन्स जो आपके सर से हटने वाला है फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगा अपने हिसाब से जीने का जो फिनेंशियल कैपेसिटी है वो आपको मिलेगा इस सिक्स मंथ्स में सो so, जो लोग बिजनेस में हो या जो लोग अर्न करते हो आई कैन सी ग्रोथ ठीक है आई कैन सी मोर मनी कमिंग इन चाहे वो प्रॉफिट हो बोनस हो प्रमोशन uh, हो बट मोर मनी विल बी कमिंग इन और सिक्स मंथ्स के बाद आप जहाँ पर रहोगे इट इज़ अ वे 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 बेटर पोजिशन जहाँ पर आप आज हो इससे फॉर सम ऑफ यू आप लिटरली प्रोमोट हो सकते हो आप लिटरली आई डोंट नो लाइक आपका कुछ बेटर पोजिशन में आप जाओगे दैट इज वॉट आई एम सीन ही क्लियरली एंड यूनिवर्स इज लाइक इसके चलते जो चीजें आज वर्कआउट नहीं हो रहा है या आज जिन चीजों में आपको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं हुआ तो मुझे कभी वो सक्सेस नहीं मिलेगा यूनिवर्स इज लाइक जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ओके बिकॉज मे बी आपको लग रहा है कि आज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड अगर ये इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाए तो आप सिक्स मंथ्स के बाद सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो आप गलत सोच रहे हो या अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया है तो सिक्स मंथ्स के बाद मैं अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाऊँगा या आ, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा तो आप गलत हो आपको लग रहा है कि आज मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं तो क्या सिक्स मंथ्स में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा अच्छा रिजल्ट ला पाऊंगा यस सो दिस इज समथिंग जो यूनिवर्स इज लाइक कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिए आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए आप थोड़ा सा बिलीव कीजिए दैट मिराकल्स uh, हो सकते हैं blessings मिल सकती है चीज़ें हो सकता है जो शायद आपको लगे कि आपके लिए इम्पॉसिबल है आप अपने आप को बदकिस्मत समझते हो आप अपने आप को हमेशा ये समझते हो कि मैं कहाँ उतना इंटेलिजेंट हूँ मैं कहाँ इतना यू uh, नो you know, किस्मत वाला हूँ ये हूँ वो हूँ बट यूनिवर्स इज लाइक कभी कभी अपने आप को किस्मत वाला सोच कर देखिए क्या होता है हाउ द मैजिक बिगिनस बट वॉट एवर इट इज़ यू नो आपको कहा जा रहा है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आप वो चीज़ें आप सपने देखिए ठीक है सपने देखिए सपनों के लिए एफर्ट दीजिए सपने पूरे करने का काम यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए बट सपना देखना बहुत ज़रूरी है बड़े सपने देखिए ठीक है यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ इन दिस लाइफ टाइम आप सपने देखिए खुल के सपने देखिए एफर्ट दीजिए उन सपनों के पीछे और सपने पूरे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए यू विल सक्सीड ओके अनादर पार्ट ऑफ द रीडिंग टेल्स मी दैट देर इज़ समथिंग जिसके ये कुछ इमोशनल या कुछ पर्स pers, किसी पर्सन से रिलेटेड है किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो एक अलग ही टाइप का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पर बेचैनी या आप काइंड kind ऑफ of अपने आप को इस तरह से समझा लिए हो अपने मन बना लिए हो दैट यू नो लाइक आप कंफर्टेबल हो कि मैं ऐसे ही रहूँगा या मैं ऐसे ही रहूँगी अन टिल अनलेस ये पर्सन आएते हैं या कुछ होता है सम मूवमेंट इज देयर समथिंग हैपन्स वॉट एवर दैट इज ठीक है आप किसी चीज़ के इंतजार में हो दैट इज वॉट एम काइंड ऑफ सींगर एंड वट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू इज कि आपके जो भी पर्सन है यहाँ पे जिनका आप इंतजार कर रहे हो ठीक है या दिस इज समी हु इज Uh, वो अपने लाइफ में अलग ही चल रहे हैं एंड मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो ऐसे लाइक like मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन से ज़्यादा बातचीत करते भी होंगे इस वक्त ठीक है मे बी यू आर नॉट इवन श्योर कि वो क्या कर रहे हैं कहाँ पर है किसके साथ है क्या चल रहा है हो सकता है देर इज़ अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप यहाँ पर बट वॉट आई एम बींग शोन हियर कि ये पर्सन खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं थर्ड पार्टी के चांसेस है बट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो होना ज़रूरी है दिस पर्सन विल कम बैक विद अ डिफरेंट एनर्जी ये पर्सन जब वापस आएंगे ठीक है यू विल सी दैट इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आया है अंदरस पर्सन विल कम बैक ठीक है सो so, रिकन्सिलिएशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ हो सकता है रिकन्सिलेशन कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन अगर नहीं भी हुआ तो कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ कंकलूजन कुछ ना कुछ क्लियर होने वाला है इस कनेक्शन में ठीक है अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा लाइक like, uh, अन कहीं अनसुनी बातें रह गया है अनफिनिश्ड चीज़ें रह गया है तो वो फिनिश होगा वो कम्पलीशन आएगा एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर रिकन्सिलिएशन आएगा वेयर दिस पर्सन कम्स बैक विद अ डिफरेंट इमोशनल एनर्जी यू नो आपको भी पता था कि ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर या इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइक अनस्टेबल है एंड दैट इज़ द रीज़न ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में होना ज़रूरी है एंड ये पर्सन बहुत कुछ गो थ्रू भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम जो आपके लिए um, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको इन इन सारी चीज़ों में पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है आपको काइंड kind ऑफ of यही कहा जा रहा है कि आप अपने अपना ख्याल रखो एंड बस इस पर्सन के लिए एक दरवाज़ा खुला रखो बट बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं एंड थर्ड पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व विद समबडी बट ये भी इस कार्मिक या इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते या इसमें आप बस इस पर्सन के ऊपर चिल्ला के चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते ओनली द ओनली थिंग जो आप कर सकते हो इज़ आप अपना ख्याल रख सकते हो आप अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान रख सकते हो एंड इस पर्सन को अपना कर्मा अपना ट्रांसफॉर्मेशन uh, अपना सिचुएशन पर अपने हाल पे छोड़ सकते हो एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट ये पर्सन खुद ही चल के आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे या रिकन्सिलियेशन ऑफर करेंगे बेस्ड ऑन द सिचुएशन मैं ये नहीं, नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए ये रिकन्सिलियशन होगा बट फॉर सम ऑफ यू येस देर विल बी बिकॉज okay? <coughs> um, कुछ यहाँ पे एंड हुआ है आपको लगता है जो एंड हुआ नहीं है इट्स नॉट द एंडिंग ठीक है हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक है बट दिस इज नॉट द एंडिंग जो आप एंड समझ के यू uh, नो you know, चल रहे हो सोच रहे हो वटेवर एट द सेम टाइम अगर किसी भी uh, ये अगर कोई रिलेशनशिप नहीं भी है अगर ये कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है एंड हो चुका है मतलब ऐसे देख सकते हो कोई प्रॉब्लम कुछ इशू कोई हेल्थ इशू या फिर किसी टाइप का वट एवर लाइक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आपको लगता है दिस हज एंडेड ये ख़त्म हो गया है फुल स्टॉप लग गया है अब इसका कुछ नहीं होगा फ्यूचर में बट यूनिवर्स इज लाइक नो इट विल कम बैक सो स्पेशली अगर ये कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत ही हल्के में ले रहे हो और आपको लग रहा है कि वो ठीक हो गया है एंड अब क्या सोचना अब क्या दवाई लेना अब क्या यू you नो know, इसके पीछे एनर्जी देना आप गलत हो यू नीड टू डू योर रेगुलर चेकअप्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़ बिकॉज़ कुछ रेकरिंग सा चीज़ है जो वापस आएगा अपने पास्ट से आ, जो सिर्फ रिलेशनशिप और कनेक्शन नहीं है जो कुछ और चीज़ भी हो सकता है कुछ इशूज़ प्रॉब्लम्स फैमिली में प्रॉब्लम्स लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट मिस अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप रिलेशनशिप मैरिज वट एवर डैट इज आपको लगा था इट हैज एंडेड बट इट हैज़ नॉट एंडेड सो टेक केयर यू you नो know, अपना सतर्क रही है बेसिकली बी अवेयर ऑफ द चेंजेस दैट इज हैपनिंग बी अवेयर ऑफ़ द पीपल अराउंड यू बी अवेयर कि आप uh, कैसा महसूस करो किसी भी चीज़ को ऐसे ही हल्के में लेके कैजुअली लेके नहीं यू नो इग्नोर करना है टेक थिंग्स अ लिटल मोर सीरियस दिस टाइम ओकेट्स मैसेजेस चैनल्स मैसेजेस बेसिकली कैसे होते हैं <coughs> Uh, आपके मन में जो भी सवाल है जो आप यूनिवर्स से करना चाहते हैं आप इस वीडियो को पॉज करके वो सवाल कर सकते हैं अपने मन में कोई भी किसी भी टाइप का सवाल हो सकता है मैं कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पे निकालूँगी जो हो सकता है आपसे रेजनेट करें उन उन सवालों से जो आपने अभी अभी पूछा होगा एंड ये बहुत ही डरेक्ट मैसेजेस uh, होंगे सिंस ये चैनल्ड है सो ये हर किसी को रेजनेट नहीं करेगा ठीक है तीन चार मैसेजेस हो सकते हैं जो तीन चार लोगों को ही शायद रेजनेट करे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बट हर किसी को ये रेजनेट नहीं कर सकता टेक वॉट यू फील इज योर्स लीव द रेस्ट बिहाइंड ठीक है कोई मैसेज को फोर्स नहीं करना है लेट एस सी लेट एस स्टार्ट अगर आपको टाइम चाहिए वीडियो को पॉज करो अपने क्वेश्चन के बारे में सोचो टेक सम डीप ब्रेथ्स सो दैट आई कैन टैप इन टू योर एनर्जी टुडे लेट्स सी What are the channeled messages? Twin flame is near. Third party relationship situation. <coughs> so sorry. Okay. Within a few days, next 20 years, gender roles. Deep contemplation, abandonment, forgiveness, healthy sexuality, anything else? No. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट समथिंग किसी का ये सवाल हो सकता है कि uh, आप किसी इमोशनल पेन या इमोशनल ट्रबल में हो एंड uh, जिसने भी ये सवाल किया है या जिन लोगों ने ऐसा कुछ सवाल किया है आई कैन फील दैट मैं आपकी इस एनर्जी में टैप इन कर पा रही हूं दैट यू आर इन अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन ठीक है इमोशनली बहुत हर्ट हो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटेड यू आर फीलिंग आई एम गेटिंग दिस एनर्जी आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट वॉट एवर ये पेन है या जो जो भी रीजन है इस पेन के पीछे यू आर बींग कॉल्ड टू फर गिव टू फरगिव समबडी एंड टू रिलीज दिस पेन आप फरगिव उस पर्सन के लिए नहीं अपने लिए करोगे बिकॉज ये पेन इसलिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बिकॉज कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली यू हैव नॉट फॉरगिविन एनी बडी यू नो देर इज सम पैटर्न फॉर सम ऑफ यू ओके लिसन ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है एंड आई कैन से दैट ये सिर्फ मे बी एक इंसान के लिए है यहाँ पे ओनली वन आई डोंट फील ये ज़्यादा होगा देर इज़ अ पैटर्न जो आप फॉलो हो रहा है आपके लाइफ में यू आर एट्रैक्टिंग पीपल चाहे वो फ्रेंडशिप हो रिलेशनशिप हो दोज हु आर नॉट गुड फॉर यू या जहाँ पे ये लोग आपको सेम तरह से हर्ट करते हैं मे बी सारे लोग आपको चीट करते हैं आज तक जो भी आपके लाइफ में आए हैं मे बी सारे लोग आपसे झूठ कहते हैं मे बी सारे लोग आपके बाउंड्रीज को डिसरिस्पेक्ट करते हैं मे बी सारे लोग आपको अबांडन करते हैं देर इज़ वन पैटर्न दैट यू हैव बीन फॉलोइंग ओनली वन पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है आपके लाइफ में इट इज बिकॉज देर वॉज अ मेल फिगर इन योर लाइफ दैट यू हैव नॉट फॉर

चाहे फ्रेंड हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो दिस पर्सन डज द सेम थिंग टू यू सेम चीज करते हैं ये आपके साथ सेम 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 एवरी टाइम या सेम पर्सन बार बार आते हैं और सेम तरह से आपको हर्ट करके जाते हैं सो यू आर कॉल्ड टू फर्गिव समबडी मे बी सबकॉन्शियसली यू हैव नॉट फॉर गिवन कुछ ट्रामाज है आप कैरी कर रहे हो कुछ पैटर्न शैडोसाइज जिसे आपने अभी तक क्लियर आउट नहीं किया है एंड इट इज़ हाई टाइम दैट यू फॉर गिव दैट यू लेट गो दैट यू रिलीज दिस एनर्जी ताकि आप बेटर अट्रैक्ट कर सको आप बेटर लोगों को अट्रैक्ट कर सको बिकॉज यू डिज़र्व बेटर आप ऐसे लोगों को डिज़र्व नहीं करते जिन्हें आप अट्रैक्ट कर लेते हो कैसे न कैसे ओके <coughs> another part uh, tells me like another message here is up aap, or aapka to divine counterpart hai, future spouse energy your soul mate you know twin flame I don't feel like because twin flame energies are very rare like. बहुत ही रेयर है तो आई यूजली डोंट टेक नेम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स बट आई फील दिस इज लाइक अ अट या अ डिवाइन काउंटर पार्ट इन इन द सेंस अ फ्यूचर दिस पर्सन और आप पास आ, आते हो या आस पास हो अभी करंटली मे बी रिलेशनशिप में नहीं हो या तो हो या तो, तो मे बी ये बस आपका फ्रेंड है कलीग है नोन पर्सन है डजेंट मैटर इट्स टाइम दैट ये यूनियन होगा बट कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक है जो इज गोइंग थ्रू सम अवेकनिंग प्रोसेस क्योंकि ये जो सोल है या तो आपका या तो इस पर्सन का ये अभी भी अलाइनमेंट में नहीं है दूसरे इंसान के साथ सो या तो आप एक अवेकनिंग के थ्रू जाओगे या तो आपकी ये पर्सन जाएंगे बट आप लोग ऑलरेडी करीब आ चुके हो आप लोग ऑलरेडी आसपास हो मे बी आप लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हो बट आप लोग सेम लोकेलिटी में रहते हो आप लोग सेम ऑफिस में जाते हो आप लोग सेम मेट्रो uh, से ट्रैवल करते हो लाइक इट्स लाइक दैट यू नो बट या तो जानते भी हो, हो सकता है कुछ लोग कि आप जानते हो या आप रिलेशनशिप प्रॉपर रिलेशनशिप में हो फ्रेंडशिप में हो बट दिस इज़ द काउंटर पार्ट जो ऑलरेडी आपके करीब है वेरी नियर जोग्रफिकली आप लोग आस पास हो अभी ठीक है एंड यू विल मीट वेरी सोन बस ये अवेकनिंग होना बाकी है जस्ट वन मोर स्टेप एंड द यूनियन इज हैपनिंग ठीक है सो so, अगर अगर ये अवेकनिंग आपके साथ हो रहा है तो यू माइट फील अ लिटल डिप्रेस्ड यू माइट फील अ लिटल लाइक कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ आई डोंट फील ऑल राइट या मूद स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है आई डोंट लाइक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील कर सकते हो बिकॉज यू आर रिलीजिंग अल ऑफ शैडो सो आप अगर बहुत मूद स्विंग्स फेस कर रहे हो रिसेंटली अगर आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा लो या डिप्रेस फील हो रहा है थोड़ा सा कुछ टाइम से रिसेंटली तो हो सकता है कि द अवनिंग इज हैिंग विथ यू ठीक है अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ तो इग्नोर कर दो हो सकता है आपके पर्सन के साथ हो रहा है बट दिस इज अ मैसेज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज ओके द थर्ड मैसेज हियर इज आई डोंट नो ये क्या क्वेश्चन क्या था बट द मैसेज इज वेरी क्लियर आई डोट नो हाउ शुड आई पुट इट लाइक मान लेते हैं कि आप एक फीमेल पर्सन है जस्ट से ठीक है जस्ट एग्जाम्पल यू आर अ फीमेल पर्सन एंड आपके लाइफ में सिचुएशन हमेशा से ऐसे थे बचपन से या बड़े होने के बाद दैट आपको वो मैस्क्यूलन रोल प्ले करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में मे बी आपके ऊपर आपके आ, साथ कोई मैस्कुलन फिगर नहीं थे जिसके चलते आपको ही आ, सब कुछ करना पड़ा है अपने फैमिली के लिए आपको प्रोटेक्टर बनना पड़ा है तो आप अगर फीमेल हो तो आप कभी उस फेमिनिन एनर्जी को एन्जॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि आपके सर पे बहुत मैस्कुलिन किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे या आपको मैस्कुलिन पार्ट हमेशा प्ले करना पड़ा आप फीमेल होते हुए भी आपकी जो मदर है या आपकी छोटी बहन हो सकते हैं जिनको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ा एज अ ब्रदर एज अ फादर जस्ट सेम ठीक है या अगर आप एक मेल पर्सन है यहाँ पर तो हो सकता है कि आपके सिचुएशंस ऐसे थे लाइफ में दैट आपको हमेशा डोमिनेट होना पड़ा किसी और से आप कभी वो मैस्कुलिन एनर्जी को एंजॉय नहीं कर पाए आपको कभी वो मौका नहीं मिला या आपको कभी लोगों ने वो यू uh, नो you know, हमेशा दबा के रखा या हमेशा यू फेल्ट दैट आप अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाए लाइफ में यू आप उस मैस्कुलिन एनर्जी में अपने आप को देख नहीं पाए जहाँ पर आप देखना चाहते हो या चाहते थे या यू ऑलवेज फेल्ट वीक यू ऑलवेज फेल्ट कि I am not man enough to be this or that you know uh, I know yeah, bahut sensitive information ho sakta hai so I will not say ki sablok sab log accept karo as a message but this is very specific hai. but I need to say this this is a message um, you always felt very weak that you are not man enough to take care of this or that but but universe is telling you one very specific thing इन द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली सिक्स मंथस वन ईयर टाइम लाइन देर इज अ शिफ्ट हैपनिंग इन योर लाइफ कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्नस प्लॉट ट्विस्ट आएंगे दैट विल कॉल यू टू बी इन योर फुल पोटेंशियल तो आपको बेसिकली एक चेंज दिया जा रहा है एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दिया जा रहा है जहाँ पर आपको अपना हाइस्ट पोटेंशियल रीच करना है इफ़ यू आर अ मैन यू नीड टू मैन अप इफ यू आर अ फीमेल पर्सन वॉचिंग दिस यू नीड टू बी इन योर फीमेल एनर्जी बहुत टाइम से आप अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हो बट अलग रोल्स प्ले करते हुए भी यू कैन बी इन योर एलिमेंट यू कैन बी योर सेल्फ आपको उसी में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है हो सकते हो आप फीमेल हो आपको मैस्कुलिन चीजें करना पड़ रहा है बट एट द सेम टाइम टेक वन आवर फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू टैप इन इन टू दैट फीमेल एनर्जी यू हैव टू देर इज़ नो अदर ऑप्शन अगर आप मेल पर्सन हो आप हो सकता है आपको लोग कुछ भी करें कुछ भी चल रहा हो आपके लाइफ में बट यू हैव टू टेक आउट दैट टाइम फॉर योर सेल्फ टू बी इन योर एलिमेंट बिकॉज अदरवाइज देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जेटिक ब्लॉकेज जो आप लेते चल रहे हो शाडो साइज जो आप लेते चल रहे हो एंड ये परसिस्ट हो रहा है मे बी बहुत लंबे समय से बचपन से या उससे भी पहले लाइक आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ ये सब बट ये एक लंबा सिलसिला चलते आ रहा है एंड इट्स टाइम यू रिलीज दिस इट्स टाइम यू टैप इन टू योर एलिमेंट ताकि आप बाकी के परपसेस सॉल्व कर सको लाइक like, मैं यहाँ पर इन डेप्थ नहीं जाना चाहती बिकॉज इट विल मेक ह्यूज लाइक अ लॉन्ग 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 वीडियो लाइक वो सब मैं नहीं चाहती हूँ आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस एनर्जी और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि अगर ये मैसेज आपको रेजनेट नहीं कर रहा हो तो आप ज़बरदस्ती सुने नो no. अगर आपको लगता है दिस इज़ नॉट फॉर यू जस्ट इग्नोर एट बट ये बहुत स्पेसिफिक है और जिसके लिए है प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी इन योर एलिमेंट दुनिया आपको मौका नहीं देगा आपको अपना मौका बनाना होगा यू हैव टू मेक स्पेस फॉर योर सेल्फ आपने हमेशा दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट किया है यू हैव डन वॉट एवर यू हैड टू डू हमेशा आपकी गलती नहीं थी बहुत सी चीज़ें आपकी गलती नहीं थी बट आपको करना पड़ा है एंड बट इट्स टाइम दैट यू चूज़ योर सेल्फ इट्स टाइम यू फील योर ओन एलिमेंट्स ठीक है सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू गाइज थैंक यू सो मच एंड आई नो ये थोड़ा सा लेंगदी हो गया वीडियो एम सो सॉरी फॉर देट बट एनी वेज़ गॉड ब्लेस यू टेक केयर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यो आर न्यू ईयर एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी अकॉर्डिंग के साथ टिल दैन टेक केयर एंड गुड बाई